नमस्कार दोस्तों, एस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ प्रश्न ओनली 3C का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हल कीजिए 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0 और x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल में क्या लिखेंगे, 2x प्लस में 3y। अब 8 को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में 8, लिख सकते हैं। और जो है इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 1। ठीक है, समीकरण 1 मान लेते हैं। और देखिए, इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स माइनस वाई बराबर, ये प्लस माइनस में 1 इधर आएगा बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा प्लस में 1, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, देखिए अगर y के पद को हम लोगों को गायब करना है तो देखिए प्लस में 3y है, यहाँ में यहाँ भी जो है माइनस में 3y है, कर दिया जाए तो आराम से जो है y का पद गायब हो जाएगा। तो पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर देते हैं यहाँ 3 लाने के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 में 3 से गुणा कर, 3 से गुणा करने पर तो 3 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x माइनस में 3y बराबर 3, ये समीकरण नंबर 3 नाम दे दीजिए। ठीक है, अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 1 को जोड़ने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और प्लस समीकरण नंबर 3 करने पर। ठीक है, तो अब जो है जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो समीकरण नंबर 3 लिखते हैं, 3x माइनस में 3y बराबर क्या 3, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। और समीकरण नंबर जो है 2 क्या है, समीकरण नंबर 1, तो समीकरण नंबर 1 है 2x प्लस में 3y बराबर माइनस 8, यही है ना। अब जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 5 x बराबर, अब देखिए माइनस में 8 है, ये है 3, तो घट जाएगा, तो 8 में 3 जा 5, ये होगा माइनस में। ठीक है, तो माइनस में हो जाएगा क्या 5। ठीक है, तो यह 5x = -5, तो x बराबर हो जाएगा -5/5, तो 5 से 5 कैंसिल, माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना निकलगा, माइनस में 1। ठीक है, तो x का मान हो गया -1, यहाँ लिख देंगे x बराबर -1। ठीक है, x का मान -1 हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखते हैं, यही है ना समीकरण 1, तो समीकरण 1 में x बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिखेंगे x बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखिए, तो समीकरण 1 में अगर हम लोग रखते हैं इस समीकरण में, तो ये हो जाएगा 2 × -1 एन प्लस में 3y बराबर -8 होगा ना। अब जो है 2 का -1 से गुणा होगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, प्लस में 3y बराबर हो जाएगा माइनस में 8 एन, अब -2 इधर आएगा बराबर के इधर, तो प्लस हो जाएगा, तो 3y बराबर लिख सकते हैं क्या, -8 और प्लस में 2। ठीक है, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, अब माइनस में 8 है प्लस में 2 है तो घट जाएगा, तो 8 में से 2 जा 6, और माइनस में होगा 3। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 6 अब बटे 3, तो 3 × 6, तो जो y का मान कितना निकल गया, माइनस में 2। ठीक है, माइनस में 2, तो y का मान -2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं अतः x बराबर -1 और y बराबर -2, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत।